2019 मसीहा फेब्रुआरी मास 14 तारीख सारा विश्व मनाउथिला इंग्राजी प्रेम दिवस बा वैलेंटाइन डे। हठात आसला एक दुखद खबर, पुलवामा आतंकिक आत्मघाती विस्फोरण रे सीआरपीएफ जवान शहीद। खबर शुणी समग्र भारतवासी किसी समय पर नीरव निश्चल हो गले, आखि लुहरे जर्जरित होगला एवं हृदय प्रकम्पित हो उठिला। टीवी रेडियो ठारु आरंभ करी सोशल मीडिया पर्यंत सबुठी देखा मिलला हृदय विदारक दृश्य। एही खबर शुणी कान फाटिगला भली लगुला, हृदय स्पंदन बंद हो जाउथिला, रागरे सारा शरीर प्रकम्पित हो उठुला, समग्र देशवासी रक्त गरम हो जाइथिला। से हृदय विदारक घटना को आसंता फेब्रुआरी 14 को 2 वर्ष पूरा जाउछि। सूचना मुताबक जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग रे भारतीय सुरक्षा कर्मी को नहीं जाउथिबा सीआरपीएफ जवान को काफिला उपरे हेला आक्रमण। जम्मू काश्मीर पुलवामा जिला अवंतरीपुर निकटस्थ लोथपुरा अंचल रे 3 बटालियन सुरक्षा कर्मी एक काफिला रे जाउथिले, जेउथिरे 78 गाड़ी थिला बेले प्राय 2500 अधिक जवान थिले। सेही समय रे रास्तारे निजर विस्फोरण योजना को सफल करने दिगरे लुचि बसी अपेक्षा करथिला शत्रु। एही योजनार तेरे मात्र सूचना नथिला वीर जवान को पाखरे। खबर अनुजाई एक टाटा सुमो गाड़ी रे शत्रु प्राय 350 किलो रु अधिक विस्फोरक सामग्री धरी अपेक्षा करी बसिथिला बेले काफिला सेही रास्ता दे आसीबा आरंभ होइथिला। धीरे धीरे शत्रुर योजना सफलता आड़ अग्रसर होता। काफिला को अपेक्षा कर रही गाड़ी जवान चारिटी बस अतिक्रम कला पंचम बस को धक्का देला, फल एक विराट विस्फोरण सृष्टि। सूचना अनुसार से बस नंबर HR49F06377 होता बेले बस रे सीआरपीएफ जवान यात्रा करते विस्फोरण होला मात्रे घटनास्थल ही बस रे समस्त जवान मृत्यु घटीला एवं अन्य गाड़ी में आसुवा जवान आहत होते शेषे मृत्यु संख्या 40 रे पहुंचीला खबर आसीला। से दुखभरा मुहूर्त आज भी देशवासी आखिरे नाची जाऊँगी। आज भी से दिन कथा मन पड़े छाती थरी उठू। आज भी फेब्रुआरी 14, 2019 कथा मन पड़े आखि छल छल हो जाऊँगी, कहीं दिन में मो देशर वीर जवान मैंने बिना कारण रे अकाल रे शहीद हो जाइथिले। सबसे पहले मैं पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे
ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विशाखा न्यूज़।